छोड़ी बच्ची हो क्या? छोड़ी बच्ची हो क्या? मम्मी बना। हाँ बन गया, लो दिखा। मरीन ड्राइव पहुंच गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विची शुक की दुनिया। अभी बज रहे 6:30। मैं आई हूँ छत पे एक्सरसाइज करने के लिए और बाकी सब सो रहे हैं। मैं एक्सरसाइज करके फिर नीचे जाऊंगी। शुभ अभी नहीं उठा है, उसके पापा ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए टिफिन बनाऊंगी, सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलूं। One eternity later। हाँ, रख रही है इसको सेट करके। अरे वाह बढ़िया, तुम अपने लिए मस्त मॉल में बनाओ हा? और हम लोग के लिए 5 किलो में, ये दिस इज नॉट फेयर। तो हम क्या करें, मॉल और थान है। यस, तो पहले ये फॉइल इसको फाड़ लेते हैं और उसके बाद से रुको रुको थोड़ा बड़ा करके फाड़ो। लो तो तुम ना नीचे गिराए उसके ऊपर खड़े हो, पैर धो लेना। किससे पोछे, किससे पोछे हो? कपड़े से? तो वो चिटी चिटी मीठा मीठा हो जाएगा। ये देखिए सुबह भी पैक कर रहा है। रबर बैंड की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ लो, तोड़ लो, तोड़ लो। वाह तोड़ा भी तो कैसे। चलो कोई नहीं, डाल लो। इसको कर लेते हैं थोड़ा अंदर। ये लो यहाँ रखो। ये गिरेगा, ये क्लोज से नहीं हुआ है प्रॉपरली, इसको बाहर निकाल। अब 4-5 घंटे बाद ही इसे निकालना, समझे? यहाँ हम लोग जा रहे हैं शुभ की बुआ को लेने, और मीठी गई है उसकी बुआ के घर, यहीं पे रहती है पास में उसकी बुआ, वहाँ गई हैं। तो मीठी हम लोग साथ नहीं है, और शुभ की बुआ गई है अपने फ्रेंड्स लोग साथ मिलने के लिए, तो उन्हीं को हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, इसीलिए फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। शुभ की बुआ हमें मिल गई है यहीं पर मॉल में, और बच्चे डबल डेकर बस में बैठने के लिए बहुत परेशान कर रहे थे, उनको वो बैठना था, वो लोग ज़िद कर रहे थे, तो उनका भी मन रख लिया चलो घुमा लेते हैं उन्हें थोड़ा सा। अच्छा मज़ा आया उसमें घूम के? नहीं मज़ा आया है। अभी हम लोग मरीन ड्राइव पे हैं, यहाँ पे ये लोग देखिए प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मुझे भी बुला रहे हैं। तो जी मुझे तो इन्होंने पौधा दे दिया है। अब देखिए रोड साइड से गाड़ियां रोक रोक के ये लोग पौधा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं कि शहर में ग्रीनरी बढ़ाओ, पोल्यूशन कम करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। कोई अपना भी नहीं करता इतना जितना ये लोग कर रहे हैं। मुझे तो बहुत पेड़ पौधे से बहुत मुझे प्यार है। ये देखिए ये वाला पौधा मुझे मिला है। क्या हुआ फिर कोई आया देने? गाइस अभी 11:50 हो रहे हैं, हम लोग आए हैं स्टेशन में। आपको देख के लग ही रहा होगा, पता है चल ही रहा होगा। देखिए तो हम लोग स्टेशन में इसलिए आए हैं, कोलकाता चल झूठा नहीं, कोलकाता नहीं जा रहे हैं। मेरे मैंने शादी वाले ब्लॉग में आपको दिखाया होगा कि मेरी सिस्टर जो कोलकाता ब्लॉग में दिखी थी, उसमें मेरी सिस्टर आई हुई है शादी में। तो वो सिस्टर लोग अभी जा रहे हैं रिटर्न कोलकाता, तो उनके लिए मैं टिफ़िन लेकर आई हूँ। बस वही रिटर्न करने के लिए आई। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना बड़ा फ़ैन है। शुभ के पापा सामने जा रहे हैं और ये रही मैं, ये रहा शुभ। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए खाना हम लोगों ने पैक कर लिया है और शुभ के पापा के हाथ में दिख ही रहा है। हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म 5 पे गाड़ी आके रुकने वाली है, तो लिफ्ट के सहारे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो अब लिफ्ट में चलते हैं पहले। वो आ रही है ट्रेन, बैठो देखो। बस अभी मैं अपनी मासी, मेरी सिस्टर, मेरे मासा जी से मिलूंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस इन लोगों से मिलने के लिए। ये मेरे मासी के दामाद जी हैं, ये रही मेरी मासी और ये रही मेरी सिस्टर। दूर
बैक टू माय चैनल। आज मैं और मीठी हम दोनों जा रहे हैं सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं मरीन ड्राइव अभी जा रहे हैं सुबह, क्योंकि वहाँ का सुबह का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। तो चलिए चलते हैं, मरीन ड्राइव पहुँच गए। ये देखिए पीछे तालाब दिख रहा है, ये देखिए, और वो आगे वो रहा, वो दुकान बंद है, वहाँ पर आटा बिकता है यहाँ की मछलियों को खिलाने के लिए, तो वो तो अभी फ़िलहाल बंद है, देखते हैं खुलता है तो फिर ले लेंगे। तो पानी में नहीं जाता फिर? नहीं, कोई नहीं जाता, देखते हैं। सुबह सुबह लोग यहाँ आ जाते हैं जॉगिंग करने के लिए। ये देखिए चारों तरफ लोग हैं, ये देखिए चारों तरफ। इसका पूरा एक चक्कर लगाने में करीब आधा घंटा लगता है। ये देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, वो बड़ा सा घर है ना लकड़ी का, यहाँ पे डक रहते हैं, बड़े बड़े डक, वो रहा डक है भी। और उन लोगों के लिए देखो ना रास्ता बना हुआ है निकलने का डक के लिए, है ना, वो रहा डक। लास्ट एक व्लॉग में आपने देखा होगा, मरीन ड्राइव वाला व्लॉग मैंने डाला था, ये वही जगह है। रात का सीन कुछ और था और दिन का कुछ और है। देखिए अभी भी वो शॉप्स खुले नहीं है, खुल जाएंगे। ये देखिए एक ट्रेन के डिब्बे जैसा डिब्बा दिख रहा है, ये इन लोग की ऑफिस होगी। अभी ये भी समर वेकेशन में चले गए होंगे। ये देखिए पूरा डिब्बा, हाँ अंदर कूलर वूलर सब लगा है। कुछ बना है नमक सत्याग्रह डांडी यात्रा, वाह सही है। इन 2 सालों में ना काफी कुछ चेंज हो गया है, सही ना। ओ उधर भी कुछ बना है, पीछे कुछ बना है, मतलब बन ही रहा है यहाँ, सही है। इस तरफ में नहीं आई थी। ये जो पोल है ना गाइस, इस पोल में ना बहुत बड़ा झंडा लहराया जाता है, और ये ना बाहर से भी दिखता है। कभी मौका मिलेगा ना तो मैं आपको इसका वीडियो लेके बताऊंगी जब झंडा लहराया जाएगा। तो गाइस बहुत घूम लिया, अभी चलते हैं घर की और रवाना करते हैं और जाके अपने काम पे लगते हैं। घर आते साथ साथ ही क्या दिख गया, ये लाइट ना वहाँ लगी हुई थी। इस दीवार में 3 लाइटें हैं और ये नॉब है, तो ये लाइट ना ऊपर से गिरी नॉब के ऊपर और नॉब टूट गया। दिखाती हूँ आपको ये नॉब कहाँ का है, ये यहाँ का है ये नॉब, और लाइट जस्ट इसके ऊपर थी। कल रात में बारिश हुई, दिन में भी हवा हुआ, देखा ही अपने ब्लॉग में, और ये नॉब के ऊपर गिरी ये लाइट और ये नॉब टूट गया, लग गया फिर से एक और चंदा। अभी बज रहे हैं 5:15, मैं अभी नींद से उठी हूँ और अभी मैंने क्या देखा, देखिए हवा हो रही है बहुत तेज़ और बादल देखिए, आप दिखाते पूरा बादल बादल है। और अभी एक चीज़ देखिए, ये छोटी सी चिड़िया पता नहीं यहाँ आके कैसे गिर गई है, अभी इसको पानी पिलाते हैं। और यहाँ मेरे घुटने में हो रहा है बहुत दर्द, तो बैंड बांध लिया है क्रैप बैंड, अभी इसको पानी पिलाते हैं, देखते हैं। भाग गई, उड़ गई है, उड़ गई है। अरे ये छोटा सा बच्चा होगा बेटा, बच्चा नहीं है, हाँ बड़ा है, बड़ा है। मुझे लगा उसको चोट लगी है, बैठा हुआ है, गर्मी लगती है। वो तो उड़ गया गाइस, मुझे लगा चोट लगी है। एक बार एक चिड़िया आके खिड़की से टकरा गई थी। हमारे मिरर में बहुत बड़ा ग्लास लगा हुआ है, तो उसको लगा कि आगे भी आसमान होगा, आके ना बहुत जम के मिरर से टकरा गई और गिर के आधे घंटे तक वहीं पड़ी रही। हम लोग उसको पानी वानी पिलाया, कुछ देर बाद फिर धीरे 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 वो उड़ने लगी, और अभी भी वही हुआ। हमको लगा कि अभी भी वही मिरर से आके टकराई होगी दूसरे बालकनी में, तो देखा तो उसको पकड़ने गए तो उड़ के चली गई। वो छोटी बच्ची होगी, छोटी बच्ची हो क्या निम्मो, छोटी बच्ची हो क्या। हरिदास के पापा सो रहे हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल कुछ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बुआ आई हुई है, उसकी बहनें आए हुए हैं, ये देखिए शुभ के पापा हम लोग टू व्हीलर में निकले तो हम लोग अभी जा रहे हैं मॉल कपड़े लेने के लिए। अभी बज रहे हैं 7 बज रहे होंगे ना, अभी बज रहे हैं 7 और अभी हम लोग जा रहे हैं। शुभ आया नहीं है, शुभ खेल रहा है,
और हम दोनों ही आए हैं बस। एक अच्छा ड्राइव भी हो जाएगा, रोमांटिक ड्राइव इतने भीड़ में। वैसे वेदर आज का अच्छा है, आपको मैंने दिखाया था ना, बादल बादल है, वेदर बहुत अच्छा है आज का अभी का फिलहाल। तो वहाँ जाने के बाद फिर दिखाते हैं कि क्या क्या कपड़े लिए, क्या 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 कपड़ा किया है। हाँ कोई नहीं, कपड़े हमने ले लिया है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, शुभ के पापा अभी काउंटर में हैं, वो बिलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। अभी जा रहे हैं घर की ओर और बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा माहौल। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, कैसे दिखाऊँ। ये देखिए रोड गीला है, पता चल ही रहा होगा थोड़ा बहुत। अभी बारिश तेज नहीं है, अरे वाह बिजली चमक रही है, ये तो पता चले। हाँ बारिश, चलिए चलते हैं, हम मजे लेते हैं मौसम का। लॉन्ग ड्राइव चले, और घर में बच्चे और मम्मी पापा का क्या होगा, जिनके लिए कपड़े लिए उनका क्या होगा, कपड़े देंगे ना, डिक्की में रख देंगे। तो चलिए चलते, यहाँ पूरा अंधेरा है गाइस, दिख नहीं रहा है, रोड पूरा भीगा हुआ है, अच्छा खासा बारिश हुआ है यहाँ पे, कुछ पता नहीं चल रहा है, ब्लर आ रहा है। हाँ अब क्लियर है, देखिए कितनी बारिश हुई है यहाँ पे। मम्मी बना, हाँ बन गया, लो थोड़ा बोल घुमाना। आप घुमाओ, लो हो गया लो, ये स्पाइडर मिल गया दूर से। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, अभी बज रहे हैं 11:25, तो अब सोने जा रहे हैं हम लोग, और उधर मूवी चल रही है, हॉरर मूवी चल रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।